नमस्कार, इंडिया ब्यूरो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया ब्यूरो, इंडिया का पहला ऑनलाइन न्यूज चैनल। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पे। तो आइए चलते हैं मुंबई की तरफ और देखते हैं क्या कुछ खास हो रहा है मुंबई में। चिल्ड्रेंस ड्रीम वर्ल्ड फाउंडेशन, भारतीय नवनिर्माण लहुची सेना योजना फाउंडेशन और उलुम फैजन ई आईलिया एजुकेशन ट्रस्ट ने साथ मिलकर पुलवामा हमले को याद करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम एक मदरसे में आयोजित किया, जिसमें भारतीय नवनिर्माण लहुची सेना के प्रकाश सूर्यवंशी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। चिल्ड्रेंस ड्रीम वर्ल्ड फाउंडेशन की नगमा खान, साथ ही उलुम फैजनी आईलिया एजुकेशन ट्रस्ट के मोहम्मद सैयद अली शेख, तो वहीं मदरसे में मौजूद बच्चों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए शहीदों को नमन किया। यह कार्यक्रम मलाड़ के मालवनी में आयोजित किया गया। मालवनी में 14 फरवरी को पुलवामा के हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि देकर सभी धर्मों को एक सकारात्मक संदेश दिया गया कि भारत का हर शहीद जवान सबके लिए शहीद होता है, इसलिए भारत को जो लोग धर्म के नाम पर बांटते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए अलग अलग संस्थाओं ने मिलकर पुलवामा हमले के शहीदों के लगाए गए पोस्टर पर मोमबत्ती के दीप जलाकर लोगों ने मौन रखा, सलाम किया और श्रद्धांजलि दी। आज पूरी दुनिया में यानी कि 14 फरवरी को धूम है वैलेंटाइन डे की, लेकिन वैलेंटाइन डे की खुशी में शायद कुछ लोग कुछ चीज़ें भूल गए हैं, कुछ लोगों की यादें धुंधली हो गई हैं। तो चलिए, जिनकी यादें धुंधली हो गई हैं और जो लोग कुछ चीज़ें भूल चुके हैं उनकी याददाश्त को हम तरोताज़ा कर देते हैं कि अगर आप भूले नहीं हैं तो आपको याद होगा 14 फरवरी के दिन ही पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें कि 40 लोग शहीद हुए थे। जो हमारे जवान हैं उनमें से 40 लोग शहीद हुए थे। और साथ ही ये याद दिला दूं कि आज के दिन राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव तीनों को ही आज ही के दिन फांसी पर चढ़ाया गया था, उनको फांसी दी गई थी। अगर आपकी यादें तरोताज़ा हो गई हैं तो वैलेंटाइन डे की मदहोशी से निकलकर आप उन सबको दिल से नमन कर सकते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आज हम वैलेंटाइन डे के दिन याद कर रहे हैं उन शहीदों को जो पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे, और आज का दिन यादगार रहे इस पर इस संस्था ने काफी काम किया है। और तो चलिए, इस संस्था की कर्तव्यता नगमा खान से कुछ बातचीत करते हैं। वो आपको इस संस्था के रूल्स जो है वो बताएंगे, क्या रूल्स हैं और इस संस्था में वो क्या कर रही है, आगे क्या करने वाली है, ये सब उनकी जुबानी सुनते हैं। नगमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस संस्था से जुड़ी हैं। बेसिकली मेरी जो संस्था है चिल्ड्रंस ड्रीम वर्ल्ड फाउंडेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रस्ट के साथ जुड़ करके उनके वर्क को रिगार्ड जो भी ज़रूरतें होती हैं उनको बेसिक जो हम कर पाते हैं वो करते हैं। एंड ऑफ द टाइम आज हम सभी लोगों ने सेलिब्रेट किया था प्यार के दिवस को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण वो भी दिवस है। 500 पीपल आज के दिन शहीद वो भी हुए एक प्यार की प्रेरणा रखने के, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। दैट्स व्हाई हमने चार संस्था मिलकर के छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें हम ये बताना चाहते हैं पब्लिक को कि प्यार तो सभी के मन में है, उसके लिए तो सभी करते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि एक साल पहले जो ये हादसा हुआ प्रोग्राम वाले 40 पीपल्स गए, क्या उनकी यादें इतनी धुंधली है, क्या हम इतनी जल्द भूल जाएंगे और सभी ट्विटर पर यूट्यूब पर हर जगह पर अपने पोस्ट से प्यार के लिए डालेंगे, उनके लिए क्यों डालेंगे। इसलिए हम सभी ने मिलकर योजना फाउंडेशन, गरिल्ला ट्रस्ट एंड लहुची सेना, इन सभी ने हमारे साथ सपोर्ट करके ये आज दिवस मनाने का आयोजन किया। ड्रीम वर्ल्ड फाउंडेशन, इनके माध्यम से मैं आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया है कि मालिनी में इनको यहाँ पे ये संस्था चलाते हुए एक साल कंप्लीट होकर होने आए हैं। तो मैं इनके एक्टिविटीज में जब देखा है मालिनी के अंदर, तो भारत देश के अंदर किस तरीके से सर्वधर्म समभाव किस तरीके से चल रहा है, उस तरीके से हर सोशल एक्टिविटीज हर एक मोमेंट इन्होंने अच्छे तरीके से बताया है। इससे पहले 6-7 महीने पहले ईद मिलाद वो भी अच्छे तरीके से जश्न इन्होंने किया गया है, तो उसी तरह से मैं उन्हें उनके साथ में जुड़ा हुआ। ये मेरा जो ट्रस्ट है वो फैजान आइडिया एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से मैं चला रहा हूँ, और इस ट्रस्ट में सबसे पहला काम हमने ये करना शुरू किया है, जो गरीब बच्चे हैं
और जिनके माँ बाप काफ़ी गरीब हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, अच्छे एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, तो उन लोगों को हम अपने ट्रस्ट में वो लोग एडमिशन कराते हैं और उन बच्चों को हम हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, जैसे उनका रहना सहना खाना पीना इंतजाम हम अपने ट्रस्ट के जरिए से करते हैं। तो अभी आप देख रहे थे इंडिया ब्यूरो की खास खबर। ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया ब्यूरो के साथ। और हाँ, ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इंडिया ब्यूरो, इंडिया का पहला ऑनलाइन न्यूज़ चैनल। हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।